Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Kalpana, first year MBBS student of SBMCH Hazaribagh Medical College. और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आप यहाँ पे नए हो तो. आज है मार्च 2024 का फर्स्ट डे एंड लास्ट डे आई वाज स्क्रॉलिंग माय यूट्यूब चैनल. सो आई फाउंड कि मेरे यूट्यूब चैनल पे अब वीडियोस अपलोड किए हुए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है. और फिर उसके बाद बहुत सारा ऐसे यूट्यूब चैनल रिकमेंड हो रहे थे जिसमें कि मतलब बहुत अच्छे यूट्यूबर्स जैसे कि रश्मि एम्स का हो गया, आर्यन राज सिंह का हो गया. तो वो लोग अपना लाइफ इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, अपना MBBS लाइफ को भी मैनेज कर रहे हैं और अपना इधर यूट्यूब चैनल को भी मैनेज कर रहे हैं. तो वो सब देख के मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि यार माना कि मैं थोड़ा अभी बिजी हूँ, क्योंकि देखो ये सब ना सिर्फ डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके से अपना मैनेज कर रही हूँ लाइफ. तो यहाँ थोड़ा बिजी हो गया है, डेली का शेड्यूल हो गया है कॉलेज का कि 9 to 5 हमारा कॉलेज रहता है, उसके बाद आना है और कुछ स्टडीज़ करना है, कुछ फन एक्टिविटीज़ करना है. इस तरीके से पूरा दिन मेरा कैसे कैसे चला जाता है मुझे खुद रियलाइज़ नहीं होता है. बट प्रोकास्टिनेशन भी है एक बड़ा फैक्टर जो मैं कर रही हूँ, मतलब लास्ट 15 to 16 days से कि मैं प्रोकास्टिनेट कर दे रही हूँ. तो वो सब मुझे अच्छे से रियलाइज़ हो रहा है कि जो यूट्यूब चैनल है वो एक्चुअली कंटिन्यूएशन पे डिपेंड करता है. कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता है, क्योंकि जो यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है वो और मतलब रिकमेंडेशन होता है वो सब इसके ये पे डिपेंड करता है, कंटिन्यूएशन पे डिपेंड करता है. सो फाइन गाइस, इसके अलावा अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है. मतलब फर्स्ट इंटरनल वाज इजी बट सेकेंड इंटरनल तो और भी थोड़ा वर्स्ट लग रहा है. देर आर सो मेनी चैप्टर्स टू कवर और एज आई डिडेंट स्कोर वेल इन माई फर्स्ट इंटरनल एग्जाम, सो इस बार मुझे बहुत ही बुरा रियलाइज़ हो रहा है अपने एकेडमिक्स को लेकर. और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ कॉलेज जाने के लिए और हमारा जो सेकेंड इंटरनल एग्ज़ाम है दैट विल बी हेल्ड फ्रॉम 1st of April. तो उसके लिए भी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है. सो या मुझे कैसे भी करके टाइम मैनेज करना होगा. सो इन अपकमिंग वीडियोस आई विल बी अपलोडिंग ऑफ हाउ आई एम मैनेजिंग माई स्टडीज टाइम, क्योंकि अब यही लास्ट ऑप्शन रह चुका है. काफ़ी मैं ये जो लास्ट के 2 months थे वो थोड़ा प्लेक्सेस और थोड़ा घूमने और कुछ ऐसे जैसे सरस्वती पूजा कुछ ऐसे कॉलेज या फेस्टिवल में चला गया. तो इस तरीके से हमने काफ़ी ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा मस्ती कर चुकी हूँ, घर भी आ चुकी हूँ, कहीं घूमने वगैरह भी हमारी पार्टी सार्टी भी हो गई. सो आई विल ट्राई टू मैनेज माई टाइम और थोड़ी फन एक्टिविटीज़ को भी रिड्यूस करने का काम ट्राई करूँगी, क्योंकि जो बस 15 to 20 days मेरे पास अभी बच रहे हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए. और मुझे माना कि ये सब करते रहना है बट स्टिल मुझे अपना एकेडमिक्स भी अच्छा करना है, क्योंकि एट द एंड एक अच्छी डॉक्टर ही बनना है एट द एंड. सो इसलिए मैं अपने एकेडमिक्स को सीरियसली लेना चाहती हूँ. बट इसके साथ ही जो मेरा अदर काम है या फिर मुझे जो अच्छा लगता है वो भी मैं अपना मैं टाइम के साथ मैनेज करना चाहती हूँ, बिकॉज ये जो मेरे पास 5 साल है MBBS कोर्स कंप्लीट. जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. उसमें मैं बहुत ही कुछ करना चाहती हूँ, बहुत सारे स्किल्स हैं जो मैं सीखना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करना चाहती हूँ, बहुत सारी जगहों पे घूमना चाहती हूँ, फैमिली ट्रिप पे जाना चाहती हूँ, सोलो ट्रिप पे जाना चाहती हूँ. तो ये सब करने के लिए कर लूँगी, पर उसके साथ ही मुझे एकेडमिक्स भी अच्छा रखना होगा. और आई एम फीलिंग सो गुड, क्योंकि मैं कॉलेज में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई थी और मतलब सीख रही हूँ अभी मैं यहाँ पे. तो ये मेरे
मेरे लिए बहुत काफ़ी अच्छा है। इसके साथ मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि जैसे जैसे हमारा ये टाइम जा रहा है, वैसे वैसे हमारे प्रोफेसर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रहे हैं एकेडमिक्स को लेकर। तो वो सब कॉलेज लाइफ में मैं बहुत ही कुछ सीख रही हूँ, जैसे नई चीज़ें ट्राई करने में मुझे अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, नई स्किल्स सीखना चाहती हूँ। और इसके अलावा मुझे यहाँ पे आके, इस प्रोफेशन में आके समझ में आया कि अपने से हायर लेवल के लोगों को किस तरीके से, मतलब जेन्युइन रिस्पेक्ट देना होता है। माना कि कुछ गलतियाँ हो जाती हैं मेरे से, और मैंने इतने यहाँ पे आके मुझे, मतलब मैं सीखी हूँ कि इतने सारे लोगों के साथ कोऑपरेट करके कैसे रहा जाता है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी, मतलब आई वॉज़ नॉट कोऑपरेटिव एट ऑल। ये है मेरी फ्रेंड अंजलि, और जो माइक नहीं लगाने की वजह से मेरा वीडियोस में एक्चुअल वॉइस अच्छी नहीं आ रही थी। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो ये था माइक नहीं लगाने की वजह से। एनीवेज गाइस, मेरा टाइम हो चुका है कॉलेज जाने का, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। मैं सुबह का कॉलेज 9 बजे से होता है, और अब बिल्कुल भी, मतलब लेट वालों को अटेंडेंस नहीं मिलती है। और इसके साथ एक और बात बतानी थी कि इन अपकमिंग वीडियोस मुझे सिर्फ स्टडीज़ रिलेटेड ब्लॉग अपलोड करने हैं, क्योंकि फ़िलहाल मुझे 15 से 20 दिन स्टडी आवर्स मैनेज करना है खुद का। और ये नीचे जाते हुए मुझे हमारी बालकनी से बाहर दिखता है, और ये है हमारा लिफ्ट। और जोक्स अपार्ट, मैं बताऊँ, ये लिफ्ट का जो कवर है उसको देख के ऐसा लगता है कि इसकी अनबॉक्सिंग अभी तक इनकम्प्लीट रह गई है, और शायद इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया गया था। क्या बोला तूने?